हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आई हूँ ऑन अदानी विल्मार। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सडन क्वेश्चन आया होगा कि एक डाउनफॉल के बाद आज एक अपर सर्किट देखने मिला अदानी विल्मार में, तो व्हाई? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाई। आज इस क्वेश्चन व्हाई को मैं आपके लिए इस वीडियो में आंसर करूंगी। जी हाँ, एक टेक्निकल टर्म है, एक टेक्निकल रीजन है इस व्हाई के पीछे। आप में से बहुत लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, जो शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, कि देर इज़ अ टर्म नोन एज अ 50% प्रिंसिपल, दैट इज इन अदर वर्ड्स जिसे हम रिट्रेसमेंट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल में होता ये है, इस टेक्निक में होता ये है, ये टेक्निक बहुत सारे लोग, बहुत फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज करते हैं ये जज करने के लिए कि एक स्टॉक की करेक्शन किस लेवल तक होगी, सो दैट दे कैन कम आउट एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था, बट लाइफ अदानी विल्मार का केस परफेक्टली इस टेक्निक में फिट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस टेक्निक में होता क्या है। ये टेक्निक उन स्टॉक्स के लिए है जो रैपिडली इंक्रीज होते हैं और फिर एक करेक्शन मोड में आते हैं। बेसिकली जज करना होता है कि किस लेवल तक ये करेक्शन दिखाते रहेंगे, सो दैट एंट्री हो सकती है। अब अदानी विल्मार के साथ क्या हुआ? अदानी विल्मार लिस्ट हुई थी एट अ प्राइस ऑफ 230, वन वे ऊपर गई टिल 420, उसके बाद बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड यू नो बिकॉज ऑफ द करेक्शन मोड, प्रॉफिट बुकिंग, ऑल दी अदर कंबाइंड रीजंस के वजह से 420 के लेवल से ये नीचे आने लग गई। नीचे आते आते आई थिंक कल इसने लोएस्ट मारा था वो अराउंड 305-310 के आसपास। फॉर आर एग्जाम्पल हम इसे 320 का लेवल रखते हैं क्योंकि उसने वो सपोर्ट कल मेंटेन किया डाउन जाके भी। अब हुआ ये कि 230 से 420 ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 पॉइंट्स ये रन किया, उसके बाद ये वापस 100 पॉइंट गिरा। इसका मतलब ये है कि इसने अपने गेन्स का 50% करेक्शन दिखा दिया है, दैट इज व्हाट इट मींस, इसकी इसने रिट्रेसमेंट लेवल अपना क्रॉस कर दिया है। इसीलिए आज अकॉर्डिंग टू द टेक्निक इसने आज एक अपर ट्रेंड दिखाया एंड इसने आज अपर सर्किट हिट किया। यही इसे इसी टेक्निक को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो स्टॉक को अफेक्ट करते हैं। इट वाज ऑब्वियसली आज मार्केट वाज आल्सो अ लिटिल पॉजिटिव, ऑब्वियसली एंडिंग में थोड़ा सा मार्केट डिप हुआ, बट ये फैक्टर भी था कि ओवरऑल भी ग्लोबली भी इससे थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ मिला था। सो अदानी विल्मार का जो बाय क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि ये रिट्रेसमेंट और एक टेक्निकल पोजीशन में आ चुका था जिसके लिए इट वाज एक्सपेक्टेड कि 320 का लेवल ब्रेक करते ही ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसने अपना 50% करेक्शन दिखा दिया था। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।